गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके। तो हमने देखा कि जो स्टैटिक बैलेंस का जो इक्वेशन होता है ये हमारा इक्वेशन था, जो कि एक मास को हम पुट करेंगे, एक मास को इस एंगल पे रखेंगे कि ताकि हमारा वो चीज बैलेंस हो जाए। ओके, तो बैलेंस वो एंगल क्या होगा? इस इक्वेशन को तुम डिवाइड करोगे, इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, पर डायनेमिक को बाद में डिस्कस करेंगे, पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो नाउ आफ्टर डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो व्हाट हैपेंड, तो टेन थीटा सी इक्वल टू, डिवाइड देंगे तो ये दोनों चीज मेरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू समेशन ऑफ मास आर साइन थीटा डिवाइड बाय समेशन एम आर कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल नहीं होते, यहाँ पे समेशन है, समझ रहे कि ये बहुत सारी चीज इसमें ऐड किया हुआ है। ओके, तो ये बताना चाह रहा है कि पूरे को ऐड करने पर कितना रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये मेरा वो चीज नहीं है जो जैसे कि ये समेशन है, तो टोटल जितना भी मास मेरा है कोई भी ऑब्जेक्ट में, सभी मास का मेरा रिजल्टेंट है मेरा यहाँ पे, तो इसलिए इसको कैंसिल नहीं करता। ये क्या, ये सिंगल मास है, एमसी मतलब कोई सिंगल मास है। ओके, कोई एक पार्टिकुलर मास है जो कि दिया गया है बैलेंस करने के लिए, तो पहले अनबैलेंस था, अब अनबैलेंस को बैलेंस किया गया है कोई भी एक मास को पुट करके। तो जब हम मशीन से देखेंगे, जब मशीन घूमता है, जब रोटेट करता है, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग करता हो, तो उसमें एक एक्स्ट्रा मास हम देते हैं। एक्स्ट्रा मास देने का सेंस ये है कि डिजाइन में कुछ ऐसा बदलाव करते हैं कि उसके मास में हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे तुमको दिखाएंगे एक्स्ट्रा मास का मतलब क्या है। अगर हम लोग ऊपर चले जाएं, फोर बार चेन मैकेनिज्म में, सेंट्रीफ्यूगल, वेलोसिटी, कैम, फॉलोवर कैम, इंटरनल क्लच, फ्लाईव्हील, इसमें कुछ वो चीज
हाँ अगर ये चित्र में दिखाई दे रहा तो एक्स्ट्रा मास यहाँ पे कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग? हम लोग तो इसको अगर फिलहाल कॉपी कर लेते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा मास कहाँ पे देंगे हम लोग? यहाँ पे ये पिस्टन हुआ, ओके ये तो मेरा पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रड हुआ। अब ये क्योंकि ये हमारा एक तरह का रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है, ओके तो इसमें ये अनबैलेंस होना तय है क्योंकि हमारा बैलेंस करने कुछ हमारे कुछ जब मशीन्स कंपोनेंट ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा अनबैलेंस पैदा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एक्स्ट्रा मास ऐड करते हैं। देखो ये जो जो डिजाइन तुमको दिख रहा है ना, इस तरह का जो हम बनाए हैं इस तरह का ये चीज तो यही असल में एक्स्ट्रा मास है। मतलब इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि ताकि एक्स्ट्रा मास हम कुछ अलग से नहीं ऐड करेंगे बल्कि उसके डिजाइन को ऐसे मॉडिफाइड करेंगे कि उसमें लगना चाहिए कि इसमें मास ऐड हुआ है। तो ये देखो जो पार्ट तुमको दिख रहा है यही एक्स्ट्रा का तुमको मास है। जो देखो डिजाइन सिंपली कनेक्टेड तो मेरा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना के एक से यहाँ से जोड़ दिए, एक से हम यहाँ पे जोड़ दिए। तो ये जो जो डिजाइन में बदलाव हुआ वही असल में एक्स्ट्रा मास है मेरा। ओके फिर तुम देख सकते हो कि इसके पिस्टन भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मास है इसका जो डिजाइन में है। हम चाहते हो सिंपल जोड़ने के लिए एक लिंक को ऐसे लेते हैं और दूसरे लिंक को ऐसे ले लेते हैं, सॉरी इधर ले लेते हैं। तो इतना इतना डिजाइन को बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि अनबैलेंस था यहाँ पे, जब रोटेटिंग करेगा तो अनबैलेंस होगा, उसमें हम एक्स्ट्रा मास करेंगे। तुम्हारे सिलेबस में क्योंकि आज अभी हम क्लास शुरू हो, इस पर सिलेबस को ही थोड़ा देखें कि क्या टॉपिक तुम्हारे क्लास में दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो सिलेबस जो पार्ट है वो तुमको दिया हुआ है कि बैलेंसिंग का कंसेप्ट क्या, जो हम कल क्लास में बता दिए। फिर बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, ओके हम अभी रोटेटिंग मास जब डिस्कस किए यही रोटेटिंग मास को ही पढ़ना जो अभी जो हम डिस्कस किए। एंड स्टेट द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस, अनबैलेंस का क्या कारण है और क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो कारण तो अभी हम तुम बताए हैं यहाँ पे कि क्यों हमारा अनबैलेंस मास आएगा, फिर और एग्जाम्पल लेंगे इस चीज पे हम लोग हैं। उसके बाद कंसेप्ट एंड टर्मोलॉजी यूज इन द वाइब्रेशन, तुमको वाइब्रेशन भी पढ़ना है। तो अनबैलेंस के होने से जो इफेक्ट है वो वाइब्रेशंस है। ओके तो अनबैलेंस जब होगा तो मशीन्स में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। जब वाइब्रेशंस होगा तो वाइब्रेशन अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है कि वो वाइब्रेशन कौन कौन सा टर्मोलॉजी यूज करेंगे, कितने तरह का वाइब्रेशन होता है, फिर वो हमको पढ़ना है। तो ये बस ये थोड़ा टॉपिक है, उसके बाद वाइब्रेशन पे हम इंटर कर जाएंगे। फिर पढ़ना है काउजेस ऑफ वाइब्रेशन इन मशीन्स में वाइब्रेशन के होने का कारण क्या है, जो यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे वही हमारा वाइब्रेशन होने का कारण बनेगा, लेकिन वो हमारे असल में रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स होगा। क्योंकि मशीन्स में हमारा असल जो इंजन का पार्ट होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब कि ये भी जो नीचे पर जो हम पेस्ट किए हैं देखो ये हमारा असल में रेसिप्रोकेटिंग है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब है कि अप एंड डाउन, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो इसके वजह से हमारा मशीन्स में वाइब्रेशन होगा, हम अब एग्जांपल देंगे कि कहाँ पर पैदा होता है, तो वो चीज हमारा समझ में आ जाएगा आज की रोटेटिंग में, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग में। क्योंकि हमारा इंजन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, चक्का वक्का तो बाद में घूमेगा मेरा, वो वाइब्रेशन होगा वो हमारा रोटेटिंग मास में अनबैलेंस होगा। और इंजन के अंदर जो इंजन हमारा जो वाइब्रेट करता है, जैसे इंजन हमारा चलता है तो गाड़ी हिलता है, तो ह्यूज अमाउंट हमारे इंजन का हॉर्स पावर होता है, तो जिसके वजह से हमारा अनबैलेंस क्रिएट होगा। तो उसके बाद तुम्हारा सिलेबस का बस यही तुमको इतना था, तुमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये एक कल ये कल तक खत्म, ये कल 2 दिन में खत्म हो जाएगा मेरा। उसके बाद हम आएंगे रेमेडीज कैसे करते हैं, तो रेमेडीज तो तुमको यही करना हो कि हम कैसे एक्स्ट्रा मास हम यूज, यहाँ पर जो रेमेडीज है मैं कैसे इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन वही निकालेंगे कि हम एक एक्स्ट्रा मास को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट केस जब रोटेटिंग करते हैं तब उसमें एक्स्ट्रा मास हम कहाँ पे ऐड करेंगे, किस एंगल पे ऐड करेंगे, तो ये चीज हमारा एंगल निकल जाएगा ये एंगल। तो टोटल मास
मास टोटल मास जितना भी डिफरेंट टाइप्स का मास है उसका सेंटर आर और एंगल थीटा दिया रहेगा, हम करके हम उस मास का एंगल निकाल लेंगे, उसी एंगल पे हम एक मास को एमसी और आरसी मास को हम ऐड करके हम जोड़ेंगे। तो नाउ ये तो मेरा हो गया सिंपल। अब आते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग, मतलब डायनेमिक स्टैटिक बैलेंसिंग। ओके, तो स्टैटिक बैलेंसिंग तो हो गया। अब आते हैं कि जब मशीन घूमता है, मतलब कोई भी मशीन, चाहे वो रोटेटिंग हो चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग हुआ, ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू जो स्टैटिक का निकाले, वो जरूरी नहीं है कि वो अनबैलेंस के लिए हो, उस सब के लिए हो सकता है। सिर्फ हम क्लासिफाइड किए हैं अन रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग, तो रेसिप्रोकेटिंग के लिए भी वही दो बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा मेरा। नाउ अब सवाल है कि डायनामिक बैलेंसिंग किसको बोलते हैं, तो आज का क्लासरूम कोर्स शुरू करते हैं डायनामिक बैलेंसिंग। तो डायनामिक बैलेंसिंग का पहला पॉइंट, व्हेन सेवरल मास, सेवरल मास का मतलब हुआ कि जैसे यहां पे हमारा पिस्टन का मास अपना अलग होगा, ये जो कनेक्टिंग रड है उसका मास अलग होगा, ये जो क्रैंक शाफ्ट कैनन का रेडियस हुआ इसका अलग मास होगा, और ये हो गया मेन शाफ्ट, रिमेम्बर ये मेन शाफ्ट, तो इसका सेंटर और इस सभी का सेंटर एक लाई हो गया, एक एक्सिस में लाई करके, तो वो तो मैं स्टैटिक कहला गया। ओके, तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। तो मान लेते हैं पिस्टन का ये मास और कनेक्टिंग रड का जो मास है, दोनों का मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिमेम्बर फिर रिपीट कर दे रहे हैं, ये पिस्टन और ये कनेक्टिंग रड का जो सेंटर, जिस मान लो इसका मास और ये जो यहाँ पे ज्वाइंट हुआ इसका मास M1 एंड M2, इस दोनों का मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस शाफ्ट के एक्सिस पे अगर कॉइंसाइड कर गया तो ये कहेंगे कि स्टैटिक बैलेंस है। और ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसका भी, ये भी तो मास है मेरा, इसका भी एक सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस के बीच में लाई करके तुम कहेंगे भाई इट्स स्टैटिक्स। तो सेवरल मास का मतलब हो गया कि एक मशीन कंपोनेंट कोई एक पार्टिकुलर पार्ट का नहीं होता है, मशीन का मतलब इट इज द असेंबल ऑफ द नंबर ऑफ लिंक्स। ओके, इन द फर्स्ट चैप्टर मशीन एंड द मैकेनिज्म, तो ये हम जो देखे थे। तो मासेस रोटेट्स, तो मासेस क्या कर रहा, रोटेट्स, यहाँ पे रोटेट का मतलब हो सकता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन या रोटेशनल मोशन। तो रोटेट, रोटेट मतलब कि हमारा इसके अंदर मेरा मोशन है। ओके, इन डिफरेंट प्लान, इन डिफरेंट डिफरेंट प्लान। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिफरेंट प्लान का मतलब क्या है वो समझ जाओ। जैसे मान लो कि ये मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा मकान है, तो ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो ये हो गया फर्स्ट प्लेन, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इसको अगर हम देखें एक्सिस, ये होगी एक्सिस, तो ये कहला गया फर्स्ट प्लेन, ये हो गया सेकेंड प्लेन, और इस तरह का ये थर्ड प्लेन। तो इसका अगर ये जेड एक्सिस है तो इसका होगा एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे, इसका एक्स वाई यहाँ पे होगा, इसका एक्स एक्स वाई यहाँ पर होगा। तो अगर कोई मास हम यहाँ पे ज्वाइन कर दे, यहाँ पे भी मास ज्वाइन कर दे, यहाँ पे मास ज्वाइन कर दे, तो ये एक ही एक्सिस पर घूम रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट अपने जगह पर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मतलब अपने अलग अलग प्लेन पे ये घूम रहा है। ओके, तो ये इसका मतलब, मान लो इसका अगर ऊपर वाले कम तस्वीर को समझाएं, तो इसमें अलग अलग प्लेन है। कैसे, देखो ये एक अलग प्लेन हुआ, इसका एक अपना अलग रास्ता अपना सरफेस हुआ, प्लेन हुआ, इसका अपना अलग प्लेन हुआ, इसका अलग अलग हुआ। देखिए एक ही प्लेन, देखो यहाँ पे पिस्टन का मास है, कनेक्टिंग रड का मास है, तो एक प्लेन का टोटल इसका का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम, इसी का टोटल मास मान लेते हैं कैपिटल एम, तो सबका अपना मास एम होगा। तो ये जेड एक्सिस पर रोटेट कर रहा है लेकिन अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग प्लेन पे घूम रहा है, तो यही हो गया व्हेन सेवरल मासेस रोटेट्स इन डिफरेंट प्लेन, तो अलग अलग प्लेन पे रोटेट करता है। तो इसका मतलब है कि इस वाले केस में डायनेमिक अनबैलेंस भी होगा,
इस वाले में डायनेमिक अनबैलेंस भी हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लेन पे घूम रहा है मेरा चीज। ओके, तो डिफरेंट प्लेन, उसके बाद ओके फर्स्ट पॉइंट, नो ए सिस्टम पॉइंट टू। ओके, तो ए सिस्टम, क्योंकि हम पॉइंट वाइज लिखे ताकि समझने में आप पढ़ने में आसानी हो जाए, किताब में तो सबको एक ही पैराग्राफ में लिख दिया है, लेकिन हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके हम उसको अलग करें। तो पॉइंट वन में तो ये हो गया, पॉइंट टू में हो गया कि जब सिस्टम ऑफ द रोटेटिंग मास इज इन डायनेमिक बैलेंस। अब देखो डायनेमिक बैलेंस को यहां पे डिफाइन किया जा रहा है। ओके, तो जब रोटेटिंग मास को डायनेमिक बैलेंस तभी कहें कि हाँ ये डायनेमिक बैलेंस है, व्हेन देयर डज नॉट एग्जिट एनी कपल ऑफ फोर्स। अब इसमें कपल फोर्स नहीं दिखना चाहिए। स्टैटिक वाले में क्या था, स्टैटिक्स वाले में टोटल, मतलब कि इन स्टैटिक्स कंडीशंस में क्या था कि टोटल समेशन ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होना चाहिए। लेकिन डायनेमिक वाले में क्या होना चाहिए, कपल हमारा जीरो होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर कपल पैदा क्यों होगा, कपल का मतलब हो गया कि मोमेंट टू इक्वल फोर्स। कपल को अगर समझा दे, फिर से रिपीट कर दे हम, ये सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास है तुम पढ़ोगे। तो ये कोई एक लिंक है, तो कोई एक रड हुआ और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स कोई इधर लग रहा है। तो F इज अ मैग्नीट्यूड एंड F इज अ मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच की दूरी L हुआ, तो ये कहलाएगा कपल F इंटू L। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये चीज इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। बैलेंस होने के लिए क्या करना होगा कि मुझे फिर से एक फोर्स, हम थोड़ा सा कलर पेंसिल यूज कर लेते हैं, एक फोर्स इधर देना होगा, एक फोर्स इधर देना होगा, क्योंकि इस लाल वाले की वजह से क्या होगा, ये तुमको इधर घुमाएगा। तो ये होगी मैं डायनेमिक बैलेंस। ओके, तो जब मशीन घूमता है तो हो सकता है कि उसमें कपल पैदा हो। ओके, हो सकता है कि कपल पैदा हो, लेकिन जब कपल पैदा होगा तो वो मशीन पार्ट को घुमाने की कोशिश करेगा। जब घुमाने की कोशिश करेगा तब तो मेरा वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। वाइब्रेशन शुरू हो गया तो मतलब कि उसको रोकने के लिए हमें उल्टा फोर्स देना पड़ेगा। जब उल्टा फोर्स देना होगा तो फोर्स तो अपने आप पैदा नहीं होगा, कुछ के जरिए से देना पड़ेगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इसके ऊपर मास या कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस देना पड़ेगा, जिसके वजह से ये बैलेंस हो जाए। तो यही इसका मतलब था हमारा ए डायनेमिक। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझाएंगे कि इसका क्या मतलब मेरा होगा। चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक बना लेते हैं एक्सिस जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है और एक प्लेन बना लेते हैं। तो ये डिस्क हो गया मेरा
अब डिस्क हो गया तो इसका एक मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिमेम्बर यहाँ पे जो मास हम लिख रहे हैं ये मास हो गया m1, मतलब टोटल मास ऑफ दिस डिस्क इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस इज r1. तो ओके, m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी विच इज अ कंसंट्रेटेड, सो इट इज अ स्टैटिक अनबैलेंस, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइट तो नहीं कर रहा है. लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा मास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसका दूसरा जो मास m2 और इसकी दूरी हो गया r2, ओके, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा क्या ची m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, और इधर काम करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m2 r2 ओमेगा. ओके, तो यहाँ पे ये नहीं मैं समझना कि मास कोई एक पार्टिकल का नहीं, ये पूरा मास एक डिस्क का है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का है, जैसे प्लेट, जैसे हम खाना खाते हैं वो प्लेट, लेकिन प्लेट तो मेरा बहुत थिकनेस बहुत यूनिफॉर्म रहता है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ही लाई करेगा. लेकिन ऐसा प्लेट जिसका थोड़ा थिकनेस कहीं बेसी है कहीं ज्यादा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी बीच में लाई नहीं करेगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से हम लोग हैं. ओके, तो m1 and m2 जो है ये इसका सेंटर ग्रेविटी और ये जो रड का सेंटर ग्रेविटी एक एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, अलग एक इसका यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका यहाँ पे कर रहा है, तो ये जब नहीं कर रहा तो ये हमारा स्टैटिक अनबैलेंस हो गया. तो दिस इज अ स्टैटिक अनबैलेंस. ओके, अब क्या ये बैलेंस हो सकता है? अगर मान ये तो हो गया कि भाई स्टैटिक अनबैलेंस है, लेकिन इन केस अगर टोटल फोर्स, ठीक है ना, टोटल फोर्स जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, होने का मतलब है कि टोटल रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड टोटल फोर्सेस जो इधर काम कर रहा है एफ सी वन और ये हो गया एफ सी टू, टोटल फोर्स मीन्स द एफ सी वन इस अलोंग काम किया नेगेटिव एफ सी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज अ स्टैटिक अनबैलेंस. लेकिन अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाए, लेट इफ एंड इफ एफ सी वन माइनस एफ सी टू इक्वल टू जीरो, सो इट इज अ स्टैटिक बैलेंस. जब स्टैटिक बैलेंस होता है तो नो नीड टू एड एक्स्ट्रा बैलेंस मास. Means MC equal to zero. क्योंकि balance है, balance है तो हमको कोई extra mass करने की जरूरत नहीं होगा. Okay? ये मेरा यहाँ एक जो मेरा point है यहाँ पे. अब आते हैं, ये तो static balance है, is very very clear. Now what happened actually? What happened in this case? If you observe very carefully on this diagram, you can observe that there are two centrifugal forces acting to outward directions from that mass, yeah, from that axis of the rotations. So this is the axis of the rotation, and the two centrifugal force is acting outward direction. The FC1 in this direction and FC2 in this direction. Okay, now it's clear. So now, if you draw in the free body diagram, so like this, for this is acting FC1 and this is a FC2. And the distance between two point like A and B is equal to L. And this is rotating angular velocity omega. इसका जो फिगर है वो जस्ट जो ऊपर जो हम बनाए थे ना वो फोर्स वाले को हम ले लिए,
ओमेगा, एक एफ वन यहाँ, एक एफ टू वहां पे. अगर इट इज अ स्टैटिक बैलेंस, सपोज दैट इट इज अ स्टैटिक बैलेंस, अगर स्टैटिक बैलेंस बैलेंस होता तो क्या होता, एफ सी वन इज इक्वल टू एफ सी टू, क्योंकि एफ सी वन माइनस एफ सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि टोटल फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इक्वल टू जीरो. हाँ ये बात है कि वाई कितना, यहाँ पे वाई कर दो, नो इश्यू. सो बोथ आर द इक्वल्स, इक्वल हो गया तो कपल क्या लगेगा मेरा, तो यहाँ पे इस केस में कपल पैदा हो जाएगा. कपल का मतलब है कि अब इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा, तो देयर फॉर द रोटेशन मीन्स एफ सी, क्योंकि अभी दोनों बराबर, तो इक्वल टू में एफ सी ले लेते हैं, इट्स नॉट इश्यू, एफ सी इंटू एल. दिस इज द कपल एंड दिस इज द ट्राई टू रोटेटिंग एंड दिस मीन डायरेक्शन, तो दिस, तो दिस इज ट्राई टू रोटेट दिस डायरेक्शन, तो ये पैदा हो गया कपल. तो पता चला कि इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो अगर मेरा ये चीज है, जब ये गोल गोल घूमना शुरू करेगा तो इस अनबैलेंस कपल के वजह से ये इधर भी घूमना शुरू कर, मतलब ये चीज जो है वो इस रड को इधर घुमाने की कोशिश करेगा इस दिशा में. ओके, क्योंकि एफ इधर एक यहाँ पे, तो दोनों के हिसाब से कपल यहाँ पे लगेगा, तो पता चला रड भी इधर घूमना शुरू करेगा, मतलब कि इट इज अनबैलेंस. तो कपल को बैलेंस करने के लिए हमें फिर एक इधर उल्टा हमें लगाना होगा. ओके, तो ये चीज मेरा हो गया. तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ऐसा मास को यहां पे पुट करेंगे जो कि इस चीज को बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस कर सके, ओवरऑल बैलेंस इसको कर सके. तो हम यहाँ पे फिर से मास हम एक एक्स्ट्रा पुट करने वाले हैं जो कि इस चीज को बैलेंस करेगा. तो चलो मान लेते हैं कि भाई कोई एक मास M1 यहाँ पे ऐसा था, अब अलग अलग एंगल दे रहे हैं, यहाँ पे मास M2 हो गया, ये मेरा बियरिंग है, वो बियर बियरिंग जिसके अबाउट ये आराम से घूम रहा है, मैं बियरिंग हो गया. जैसे जस्ट लाइक मान लो कि मेरा चक्का है, ये मेरा चक्का है, तो ये चीज़ घूम रहा है ना, तो एक मेरा लगा था बियरिंग, तो बियरिंग को हमने ऐसे करके दिखा दिए हैं ताकि ये चीज़ इसके ऊपर रोटेट कर रहा आराम से. तो यहाँ पे दो मास है जिसके वजह से इसमें मेरा कपल पैदा होगा, और तब हम क्या करते हैं कि हम एक अलग अलग मास हमको यहाँ पुट करते हैं, एम सी वन एम सी टू अपने रेंडम हम एक बैलेंस कर दिए, इसके लिए रेड हम यूज़ कर देते हैं. तो यहाँ पे एम सी वन और दूसरा कोई मास हम अपने पुट कर देते हैं, दिस इज एम सी टू. याद रखना है कि हम एम सी टू और एम सी वन को ऐसे ढंग से हम पुट करेंगे ताकि जो कपल लगा था क्लॉक वाइज उसको वो एंटी क्लॉक वाइज में बदल दे. ओके, तो क्लॉक बदल दे, तो पूरे को बैलेंस जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा. तो फर्स्ट केस, अगर ये पहला तो केस होना चाहिए कि मेरा स्टैटिक बैलेंस होना चाहिए, तो उसके लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर, दो मास के लिए, प्लस एम सी सॉरी एम सी वन आर सी वन एंड ओमेगा स्क्वायर, प्लस एम सी टू एंड आर सी टू. आर सी टू मतलब डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ, जिसमें आर वन हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो दिस कंडीशन फॉर द स्टैटिक बैलेंस. ओके, ये मेरा स्टैटिक बैलेंस का कंडीशन हो गया. तो अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या, देखो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये जीरो है ना, तो ये सब का सब मेरा बाहर हो जाएगा. तो फाइनली मेरा जो बैलेंस होगा वो बैलेंस होगा एम आर, जितना भी एक्स्ट्रा जो मास है और जो हम एक्स्ट्रा मास पुट किए, एम सी वन आर सी वन प्लस एम सी टू एन आर सी टू इक्वल टू जीरो. तो ये स्टैटिक बैलेंस कर दिए पहले. सेकंड, अब हम जब बैलेंस कर लेते हैं, हम लोग हैं डायनेमिक बैलेंस कर लेते हैं. तो डायनेमिक बैलेंस करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या करते हैं, तो मास
मैं टोटल फोर्स आर एम वन ओमेगा एस पाई इंटू एल, ओके एल वन मैं दो एक मास के बीच का दूरी, उसी तरह से कोई कोई दूसरा मास होगा एम टू दूसरा प्लेन के लिए एम आर टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल टू, तो सो मतलब कि उसके बाद फिर तुमको एम सी वन आर वन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी, ओके एंड सेकेंड मास एम सी टू आर टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी वन था यहाँ पे एल सी टू मान लेते हैं इक्वल टू जीरो, ये बैलेंस किया गया ओके तो फाइनली यहाँ पे क्या जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैंसिल जगह सबके जगह से कॉमन है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा टोटल मास आर एल प्लस एम सी वन आर सी वन एंड एल सी वन प्लस एम सी टू आर सी टू एल सी टू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो गया मेरा जो कि डायनेमिक बैलेंसिंग था। अब बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस क्योंकि आगे वाइब्रेशन क्यों होता है मशीनों में क्यों होता है वो इसका जवाब हम लोग आगे देखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मासेस में, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसमें नहीं कैम फ्लोवर वेलोसिटी एनालिसिस फोर बार चेन ओके okay, अब आते हैं बैलेंसिंग इन रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग मास का हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। इसका रेसिप्रोकेटिंग मतलब हो गया जैसे कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा इसमें मैथमेटिकली बहुत बड़ा है लेकिन उतना ज़्यादा हमको इसमें नहीं करेंगे हम क्योंकि मतलब सिलेबस का पार्ट उतना ये नहीं है, बस जानना है कि कुछ रीज़न जिसका वजह क्या है, जो डायनेमिक था ना वही मेन इसका कॉजेज है। तो ये हो गया स्लाइडिंग, जो स्लाइड करता है ये इधर से इधर गया ये इधर से इधर गया, ये पिस्टन बन गया, ये कनेक्टिंग नट हुआ, ये क्रैंक रेडियस हो गया और जिसके अबाउट ये चीज घूम रहा थी, ये चीज ये अब ये हो गया थीटा, ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये हम जानते हैं कि जब इसके ऊपर फोर्स लगता है कि जब फोर्स लगेगा इफ एम इज द मास ऑफ द स्लाइडर, ये जो मास है वो एम हो गया मास ऑफ पिस्टन जिसके ऊपर एक फोर्स लगेगा एफ, तो कितना फोर्स लगेगा ये इसको हम पढ़ा चुके हैं तुमको हम हैं एंड फ्लाईव्हील वाले में, तो फ्लाईव्हील का जो मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाला गया था देखो यहाँ पर तुम्हारा जो एक्सलेशन निकाला गया जिससे एक्सलेशन ओके ये हमारा मास हो गया, तो ये फोर्स लगा इसके ऊपर ओके है, तो यहाँ पे दो फोर्स हम लोग लगाते हैं यहाँ पे हैं देखो ये हो गया टोटल फोर्स दिस फोर्स ओके,
तो इसका हम लोग फ्लाईव्हील में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला था। तो सेम चीज जब हम टोटल फोर्स लगाते हैं इस केस में है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है फोर्स का वो आता है एफ, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास मतलब पिस्टन का मास हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ था हमारा फर्स्ट उस जो फ्लाईव्हील के डिस्कशन किए थे हम लोग, तो मास इनटू आर ओमेगा स्क्वायर, ये मास हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन हो गया, कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा बाय एन। तो ये टोटल फोर्स लगा मेरा जो इस पिस्टन के ऊपर जो टोटल फोर्स लगा वो ये हुआ। इस फोर्स को हम दो भाग बांट देंगे, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो तो होगा मास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एक आ जाएगा मास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाई एन। तो ये कहलाया गया प्राइमरी फोर्स, और ये कहलाया गया सेकेंडरी फोर्स। और यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू l बाई r, सब पढ़ा दिया गया है तुमको फ्लाईव्हील में। तो n मतलब लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रड, ये हो गया रेडियस ऑफ क्रैंक। तो ये बहुत बड़ा होता है, जब बहुत बड़ा होता है तो ये लगभग तुमको बहुत ही अप्रोक्स जीरो मतलब कि नेगलिजिबल हो जाता है। तो मेन असल जो होता है यही हो जाता है जो फोर्स जो अनबैलेंस होता है, क्योंकि बस मेन समझा क्या चीज क्या यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब ये चीज रोटेट करता है तो ये इसके ऊपर तो एफ लगा, तो इसके ऊपर ये फ्रिक्श ये चीज है तो रोटेट यहाँ पे मेरे कोई फोर्स लगेगा इसके ऊपर लगेगा। ओके, तो ये जो फोर्स मेरा लगेगा क्योंकि अनबैलेंस कौन सा फोर्स है, क्योंकि यही एक एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर काम किया, रिमेंबर मास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, यही फोर्स अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना होगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस कैसे किया जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम से इसको हम लोग समझाया जाता है यहाँ पे कैसे कैसे फोर्स यहाँ पे मेरा काम करता है मेरा है। ओके, तो इस केस में हमारा यही एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाता है। ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो यही अनबैलेंस की वजह से इसमें वाइब्रेशंस शुरू हो जाता है, जो कि एक तरह का स्टैटिक भी हो गया मेरा है। और जब ये चीज घूमता है तो ये जो प्लेट हुआ इसके वजह से और प्लस इसके वजह से भी ये हमारा अनबैलेंस क्रिएट कर जाता है। ओके, तो इसी